तो हेलो गाइस, आज है 24 फरवरी है ना, चौबीस और आज ये ब्लॉग की शुरुआत हम लोग बहुत अटपटे ढंग से कर रहे हैं। और आज इसमें जो फुटेजेस आपको दिखाने वाले हैं वो आपको मिलेगा 17-18 तारीख का। 17-18 से लेके 24 तक के बीच में हमने जो कुछ किया है उन सब के फुटेजेस अब आपको इधर मिलेंगे, क्योंकि पता नहीं आजकल क्या हो गया, ब्लॉग वगैरह शूट करने का ना उतना मन नहीं करता। तो हम लोग डे टू डे लाइफ ब्लॉगिंग को अभी उतना इन्जॉय नहीं कर रहे, मज़ा नहीं आ रहा हम लोग को। ठीक है, तू क्या बीच में क्यों आ रही है तू? अभी हम लोग बात कर रहे हैं, और ये है सन्नी, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। तो इसने पूरे फुटेजेस इसी ने शूट किए हैं। मैं तो आजकल ब्लॉग वगैरह कर नहीं रहा हूँ, मेरा इच्छा नहीं होता ब्लॉग करने का, और अब ऐसा लगता है कि ये ब्लॉग चैनल बंद करने का टाइम आ चुका है। लेकिन सन्नी बोलता है नहीं नहीं करेंगे, मज़ा आता है ब्लॉग में, तो देखते हैं। और खूब इन्जॉय किए हम लोग, अभी आपको फुटेजेस देखने को मिलेगा, सारी चीज़ें आप देखिएगा। झलमला गए हुए थे, 4 दिन वहाँ पर रहे हैं और भांचा का फर्ज निभा रहे थे। पिंटू भाई आपके लिए ये लाइन थी। हाँ, आपके लिए लाइन है, भांचा का फर्ज निभाने के लिए 4 दिन के लिए झलमला गए हुए थे, बहुत मज़ा आया। तो चलिए आप लोग इन्जॉय कीजिए। और ये हमारी बाबू आ गई, इधर आ बेटा, बाबू भी गई हुई थी, खूब मजे लिए बाबू। इधर हेलो गाइस करो। कितना मजा आया झलमला में, कितना मजा आया बाबू को झलमला में, बहुत मजा आया ना, ये बलून फेंक रही है। तो चलिए फिर आप लोग वीडियोस का मजा लीजिए, जो कुछ भी फुटेज हमने लिया है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। दिलीप देवांगन जी के निवास में, भाई श्री राजन जी के यहाँ, रुक्मिणी जी के देख रेख में, मुख्य रूप से हिंगलाज सेना का जो उद्देश्य है, हमारे परम पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज के सामने जब ये परिस्थितियां आई कि भारत में अत्याचार महिलाओं के साथ बहुत हो रहा है। यूं तो भारतवर्ष में विचारणीय विषय बहुत है, बहुत मुद्दे हैं, पर चूंकि हम लोग महिला है इसलिए महाराज श्री को जब लगा कि महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार शोषण हो रहा है, उनका छोटी छोटी बच्चियों के साथ उनका शोषण हो रहा है, तो महाराज श्री को ये नहीं लगा कि अच्छा उसके पक्ष में कानून बहुत बना हुआ है, महिलाओं के पक्ष में बहुत मजबूती से भारत सरकार ने कानून बनाया है, परंतु उसका पालन नहीं हो पाता है। कारण ये है कि सभी लोग, जब व्यक्ति नशा कर लेता है तो नशे में उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ईश्वर की दी हुई सबसे अधिक जो हमारे पास संपत्ति है वह हमारा विवेक है। विवेक ही के कारण मनुष्य पशु से ऊपर है, नहीं तो पशु में हमारे में क्या फर्क है। बस इतना ही कि हमारे पास विवेक है, हम कुछ जान समझ सकते हैं, पशु नहीं जान पाता है। तो पशुता से ऊपर उठाता है विवेक और धर्म। और जब नशा करता है प्राणी, व्यक्ति, मनुष्य, तो वो विवेक खो देता है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू भाविश चैनल। आज हम जा रहे हैं झलमला और यहाँ सब हैं, भाभी, बड़ी मम्मी, बड़े पापा, राजू जी हम ड्राइव कर रहे हैं और बाबू बहुत मस्ती कर रही है, रेडी नहीं हुई है। हेलो गाइस, हेलो गाइस कर।
सो अब कुछ देर बाद मिलते हैं झलमला में। सो हेलो गाइस, वेलकम। आज अभी हम पहुंच गए झलमला के लिए, 2-3 किलोमीटर बाकी है। और यहाँ सब लोग रुके हैं क्योंकि तो यहाँ का नज़ारा बहुत बहुत क्या बोल सकते हैं, बहुत सुंदर फील है। ग्रीनरी है यहाँ पूरा, ये आप देख सकते हैं पूरा नज़ारा। राजा भैया कहाँ जा रहे हैं ये देखिए। तो गाइस ये था पेड प्रमोशन चना भाजी का और हमारा कोई टेंशन नहीं है चना भाजी तोड़ने का। कच्चा है बापू, देखो कितना मस्ती कर रहे। ये है जलेबी खा रहे बड़े बापू, खाओ बड़े बापू। बापू मटर खा रही है। तो गाइस यहाँ पे गांव के मजे लिए जा रहे हैं, जलेबी खा रहे हैं हम लोग। ये देखिए, ले बाबू जलेबी खाएगी, किसमें बैठी है? पैरा में। बाबू पहली बार पैरा को देख रही है। और हमने तो गांव के मजे बहुत लिए हैं फ्रेंड्स, आज वापस बचपन के दिनों को एंजॉय कर रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर, पूरे पैरा है, पैरा ऐसे सो सकते हैं पूरा। बहुत मजा आ रहा है, फुल एंजॉय कर रहे हैं। बाबू भी मस्ती कर रही है, मजा आ रहा है बाबू। कितना मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। जलेबी खा रही है बाबू, क्या खा रही है बता दे, क्या खा रही है बाबू बता दे। जलेबी खा रही है, मीठा है बाबू। और ये है पैरा, बाबू इसमें ऐसे मजा आ गया ना बाबू, देखना है पैरा पैरा हो गई। सब कूदो अब, बहुत मजा आ रहा है। बाबू ताली बजा रही है यहाँ पर। बाबू देख इधर, कहाँ जा रही है बाबू, क्यों? पूरी मस्ती कर रही है। जुगाड़ देख रहा हूँ। तो गाइस हम लोग की झलमला में एंट्री हो चुकी है, ये देखिए। और मैडम जी अभी काम पे लग गई, आते ही रोटी बन रहा है। और इधर भाभी है, सब लोग इतना बिजी हैं, किसी के पास बात करने का टाइम नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग के पास ब्लॉग शूट करने का टाइम है कि हम खाली नहीं बैठे हैं। हम लोग बिल्कुल खाली, हम लोग का कोई काम नहीं, खला बेकारी आदमी हम लोग। और ये है सन्नी, आज ब्लॉग की शुरुआत इसी की है, देख लीजिएगा ब्लॉग। बहुत इंटरेस्टिंग, इधर बहुत मजा आने वाला है आपको। तो गाइस आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। सनी ने भी काफ़ी कुछ इस वीडियो के लिए शूट किया है ब्लॉग, ये फर्स्ट टाइम किया है ब्लॉग, वैसे इसको एक्सपीरियंस वगैरह है नहीं, लेकिन फिर भी नॉट प्रोफेशनल, अच्छा खासा बोल लेता है। और धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा तो फिर इसका भी ब्लॉग चैनल ओपन करेंगे, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है? तो बस आगे तू बोल सनी, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय 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 बाय, टेक केयर।